हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंस ऑन व्हील्स एंड बैक विद अनदर वीडियो एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑब्वियसली न्यू टाउन, क्योंकि भाई वहाँ का जो रास्ता है, वो जो फ्लाईओवर है, वर्थ इट, मतलब बहुत मज़ा आता है। तो ज़्यादा दोस्त लोग नहीं है, ओनली आई हैव वन गाय विद इट्स एक्सट्रीम। आज ऐसे क्लोज कॉल्स बनाने का मोटिव नहीं है, स्टिल मतलब बहुत सारी बातें रह गई हैं जो मतलब बात करके क्लियर आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है एकदम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वीडियोस बहुत कम आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, तो इसके रीजंस ये है कि घर की थोड़ी थोड़ी दिक्कत और कोई बात नहीं है। और रिसेंटली हाल ही में मतलब अपना खास दोस्त का ही जो एक्सीडेंट हुआ था, जो इसे पिछले वाले ब्लॉग में अपलोडेड है, तो उसमें थोड़ा बिजी था। उसका एक्चुअल में हुआ क्या है, ये राइट आर्म थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, सो प्लास्टर्ड हुआ है, क्वाइट वेल राइट नाउ। कुछ दिन में प्लास्टर खुल भी जाएंगे। और भाई सब दोस्त अपने अपने काम में हैं, आज सैटरडे है, तो संडे राइड मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि ड्यूक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको लेके हम लोग सबका मूड थोड़ा ऑफ ही है। सो वी आर नॉट गोइंग ऑन अ राइड और एनीथिंग। This is a huge defender, बहुत बड़ा गाड़ी है। जितना भी अवॉइड कर लो, ये बाइक है ही ऐसा, मतलब टालने पे मजबूर कर देता है। YouTube से एक चीज़ से और मैं डिप्रेस हूँ, क्योंकि भाई वीडियोस जो व्लॉग्स आ रहे हैं या वीडियोस जो भी मैं डाल रहा हूँ, उसमें मतलब उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो, या अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना के कोई दूसरे तरह का वीडियो बनाऊँ, या डेली व्लॉग्स करूँ, या ट्रैवल व्लॉग्स करूँ, तो डू कमेंट, लेट मी नो, क्योंकि ये वीडियोस भाई आप लोग के लिए ही बन रहे हैं, मेरे लिए नहीं। और मेरे जो भी क्लोज कॉल्स के वीडियोस रहते हैं, वो इंस्पायरिंग के लिए नहीं है, या आप इन्फ्लुएंस हो गए वैसा करने लगो, ऐसा नहीं है। ये वीडियोस है भाई, देखो, एंटरटेन हो, मज़े के लिए वीडियोस है, इट्स नथिंग गोइंग टू बी पर्सनल। और ये तो अपना भाई फेवरेट फ्लाईओवर आ गया है, जो है माँ फ्लाईओवर, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग फ्लाईओवर अगर हम एजीसी को जोड़ दे तो। चलाते हो यार, ये फ्लाईओवर में आते ही मतलब लगता है कि हवा बहुत तेज चल रहा है, विंड ब्लास्ट काफी ज्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से क्लोज कॉल और बाइक चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो
और एक चीज़ माफ लावर की सबसे बेस्ट लगी है वो है ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये लगा है इसके वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं और इसका जो मांझा आता है तो ऐसे बाइकर्स को बहुत दिक्कत होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। सो इट्स अ गुड मेजर टेकन बाई आर गवर्नमेंट, अपनी CM भाई ममता बनर्जी, लाइक ऑसम। अगेन द स्पीड कैमरा, इससे तो अपना बहुत पुराना रिश्ता है, इतने सारे स्पीड केसेस आए हैं और एक वो गवर्नमेंट वो नहीं एक रूल लॉन्च किया वो जो स्पीड गन वाली केस, उसका क्या हिसाब है? आप स्पीड अगर चला रहे हो और इफ दे कैप्चर, ये रही लेट मी स्पॉट यू दैट वन, दैट्स अ स्पीड गन। अगर आप स्पीड चला रहे हो एंड इफ दे कैप्चर इट, वो लोग आपका एक फ़ोटो निकाल लेंगे, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एवरीथिंग सबके साथ निकालेंगे मेजर करके, और जो सामने में पुलिस रहेगा या कोई भी सर्जेंट रहेगा उन लोग आपको रोकेगा एंड दे विल टेल यू आपकी स्पीड इतनी इतनी थी, ये हुई आपकी फ़ाइन। और अगर आप बोलोगे नहीं मेरी स्पीड इतनी नहीं थी उतनी नहीं थी, तो दे विल शो यू योर द प्रिंट आउट, वो बोलेंगे कि आपको प्रिंट आउट चाहिए, वेट, वो आपको निकाल के प्रिंट आउट दे देंगे, उसमें स्पीड वगैरह सब एक्यूरेट रहता है। इतना कन्फर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है एक बार कार में। मैं अपने एक फ्रेंड को लेने जा रहा था स्टेशन बाई कार, तो सुबह का टाइम था, वी थॉट कि क्या ही स्पीड केस वगैरह होगा, तो जस्ट एक फ्लाईओवर डाउन करते ही, जो खिदरपुर फ्लाईओवर है जिसको मैं क्रॉस किया, उसको जस्ट डाउन करते ही वो लोग स्पीड गन से केस ले लिए 74 की स्पीड में, आई थिंक से 74-72, और आगे जाके पकड़े। मैं बोला अरे यार सुबह का टाइम है, ये क्या लो चाहिए, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा, तो वो बोले कि वेट, मैं बोला स्पीड नहीं है, उतनी स्पीड नहीं थी, मैं तो स्लो डाउन कर दिया था, तो बोले नहीं वेट लेट मी शो यू। वो लोग लाए आपको प्रिंट आउट चाहिए, मैं बोला हाँ प्रिंट आउट दिखाओ, प्रिंट आउट दिखाया, एकदम मेरी कार की नंबर प्लेट के साथ इतने डिग्री में कर्व थी, ये लैटिट्यूड था, ये लॉन्गिट्यूड था एग्जैक्ट, ये स्पीड था आपका। लाइक अरे भाई, हाँ वो लोग बोले या तो आप लाइसेंस जमा करो, या तो गाड़ी की कोई पेपर जमा करो, या तो आप फाइन पे करो 1000 रुपीज़, आई थिंक सो स्पीड की 1000 रुपीज़ वो लोग लिए थे उस टाइम। सो ये है कोलकाता के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेड लाइट में टर्न ऑफ योर बाइक, इससे साउंड पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल बचेगा। बंद कर, क्या आदमी है। अब न्यूटन का एक और इरादा ये था कि बाइक की आज तक मतलब 1.5 साल इसकी ओनरशिप हो गई है मेरे पास, आज तक एक अच्छी प्रॉपर पिक कभी नहीं ली है मैंने, कभी भी नहीं। तो फोटो सेशन का भी शौक है, फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। और न्यूटन ढाबा का जो पैनकेक है, अचानक याद आ रहा है, सो पैनकेक में उसका शायद नाम कुछ कैरमल क्या है पता नहीं। मुझे लगा स्पीड गन लेके खड़ा है, अगर स्पीड गन लेके खड़े रहते तो बहुत लंबा करते लिबर्टी। हाँ अरे अरे यार, हे भाई साहब, हाँ
कर रहा है। हमको वही लगा moments later. This was the main reason जिसके वजह से मैं यहाँ आया हूँ, न्यू टाउन कॉफी हाउस। ये है कैरमेल कस्टर्ड, ये यहाँ का मेनू है। इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव बट स्टिल आई गेटिंग अ गुड एनवायरमेंट, थोड़ा म्यूजिक, दैट इज़ अ एटमोसफियर। One hour later. So hey guys, we are back again. और ये हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, न्यू टाउन ढाबा गए थे। सो और उसके बाद फोटोशूट भी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया और इसके बाद हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। अरे भाई इतने पुलिस, काफ़ी टफ चेकिंग हो रही है यार। यार रिटर्न होते होते शाम हो गया और ये हमेशा का है, जब भी हम लोग न्यू टाउन आते हैं हमेशा रिटर्न होते होते शाम हो ही जाता है, मतलब अंधेरा हो ही जाता है। स्पीड की तो यार इससे तो हर बाइकर एक अलग ही परेशान है। दिस कार इज मूविंग टू फास्ट। टाइम हो रहा है 6:30 के आस पास एंड वी आर रिटर्निंग होम। नाउ ये यहाँ की यूजुअल है, यहाँ की ट्रैफिक ये ट्रैफिक में जूझ रहे हैं हम। आरसी भी अपाची भी जैसे साथ में लग रहा है। अगेन ये पुलिस वाला वॉकी टॉकी लेके खड़ा है यार, मतलब आज केस आया था, क्यों लग रहा है केस खाने ही खाना है। अरे भाई साहब क्या चला रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ कोलकाता डजंट नीड एनी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। लेकिन बड़े कंजूस है यार, पूरे लाइट जला दो, इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। स्टिल डजंट मैटर। यार विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है एंड आई एम टेकिंग यार जो बोलो यार, मौसम इज लाइक मौसम। बाइक पूरी डिसबैलेंस हो रही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट।
moments later. I don't know इतने अंधेरे में कैमरा क्या कैप्चर कर रही होगी, बट आई एम वेरी मच श्योर मैं अपना हेलमेट के थ्रू कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे में मेरा वाइजर जो है बहुत ज़्यादा टिंटेड है. तो फिर भी रात हो ही गया है और हम घर पहुँचने वाले हैं. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, और कमेंट भी करके बताओ या कि आप लोगों को कैसा वीडियोस चाहिए, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा वीडियोस. क्योंकि भाई ये जो भी वीडियोस है सब आप लोग के लिए ही है, या आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए है, या फन के लिए है, या मज़े के लिए है, कुछ भी ले लो, या इंफॉर्मेटिव. अगर इंफॉर्मेटिव चाहिए तो मुझे रिव्यू वगैरह बनाना होगा, तो यार जो ले लो लेकिन कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा है व्हाट शुड आई मेक, क्योंकि मेरे कोई भी तरह के वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक क्लोज कॉल्स में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. सो आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड क्या करना चाहिए. सो प्लीज़ लेट मी नो, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि किस टाइप के वीडियोज़ आप लोग को चाहिए. तो यार वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़.